नमस्कार। आज मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से। मैं आज ग्राम पंचायत सहज में चिनोगड़ी गांव में आया हूं, जो कि हमारे कंडागढ़ ब्लॉक में है। आज मैं आपको फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल, उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह के फेरोमोन ट्रैप्स है और हमें इनका किन किन फसलों पर कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, आप ये चार तरह की आप देख रहे हैं, ये तो ये है ल्यूर्स। पहली बात, किसान भाइयों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। ये है ल्यूर्स, एक ये है, एक ये है, आपने देखा कि ये अलग अलग चार तरह के हैं। तो ये अलग चार तरह के हैं, तो अलग कीट पे ये अपना काम करेंगे। और आप ये जो चीज देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन दवाइयों को लगाने के लिए। और ये जो आप इसमें प्लास्टिक देख रहे हैं इसके नीचे, इसमें जो आपके है पतंगे आके फंसते हैं। आप इसे बाजार से जब लाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। ये आप इसे खोल देंगे, इस प्लास्टिक को आप नीचे की तरफ करेंगे, प्लास्टिक नीचे करने पर इसके एंड में जो है आप एक जो इसके साथ रबड़ लगा है उसी से इसे आप बांध देंगे। मानना आपको इस तरह से है कि इसके अंदर से जो कीट आए इसके अंदर वो बाहर ना निकल पाए। आप इसे इस तरह से बांध देंगे, जो इसका ढक्कन है इसमें आपने अब इसके अंदर से निकलते हुए रसायन को, जो इसके अंदर रसायन है वो आपने इसके अंदर से निकाल लेना है और इसमें जो है लगा देना है। जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इस समय निकाला है लीफ माइनर का, जो टमाटर में एक बड़ी ही विकट समस्या है, लीफ माइनर, जो कि टूटा एब्सोल्यूटा के नाम से, साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। आप इसे निकाल दीजिएगा खेत में। ये है इसके अंदर का ल्यूर। अब ल्यूर आप समझ लीजिए कि ये इसमें अंदर डाल रखे है मादा के रसायन, जिससे कि जो है नर पतंगे जो है आकर्षित होते हैं। अब आपने इस ल्यूर को यहाँ पे इसके ऊपर के हिस्से में इस तरह से फंसा देना है और आपने इसे इसे छत के रूप में इस्तेमाल करके ये आप इसके ऊपर इसमें लगा देंगे। अब आपका इससे ये हो गया कि जो आपका ल्यूर है वो बारिश से बचा रहा। बारिश अगर हो भी जाती है तो ये ल्यूर का प्रभाव जो है इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। अब जो आपने ये ल्यूर लगा रखा है, ये जो है वैसे तो इसकी ये चलने की होती है, ये एक बारी में लगाने पे ये 20 से 25 दिन तक कम से कम कारगर साबित होता है। लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा बारिश हो रही है, इसमें आपके पतंगे नहीं फंस रहे हैं, तो आप इसे 15 या 20 दिनों के अंतराल में भी बदल सकते हैं। अब इसे लगाना कैसे, आपने इसे खेत में कम से कम 5 से 7 फुट की ऊँची पर किसी भी आप लकड़ी से आप इसे बांध सकते हैं। और इसे आपने लगाना है एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप की दूरी कम से कम हमारे पास 70 से 80 फीट के आसपास होनी चाहिए, लगभग 20 से लेकर 25 मीटर के बीच में। तो ये एक हेक्टेयर में, वैसे तो इन्हें कहा जाता है कि आप 5 या 10, एक हेक्टेयर के लिए इन फेरोमोन ट्रैप्स की मात्रा है 5 या 10। लेकिन अगर आपको लगता है आपके प्रारंभ में आपके पास ज़्यादा पतंगे इसमें फंस रहे हैं, तो इनकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सिंपल फेरोमोन ट्रैप्स का जो है इस्तेमाल करना है। हर एक कीट का, जैसे मैंने शुरू में भी आपको दिखाया, हर एक कीट का अलग है। आपके जो फल छेदक हैं उनके लिए अलग है, आपके फेरोमोन ट्रैप्स अलग हैं, आपकी जो ये बनावट है इनकी भी अलग अलग हो सकती है। तो आप मेन चीज़ होती है ये ल्यूर, आप कौन सा ल्यूर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कीट के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके संबंध में अगर इससे और भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र सोलन या हमारे नोनी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान में संपर्क कर सकते हैं।